नमस्कार भाइयों, आज हम देखेंगे एक नया जानकारी पूरा वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आपके पास जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आम के पेड़ हो गए या फिर कोकोनट के पेड़ हो गए, उसके लिए स्प्रेइंग करने के लिए मित्रा कंपनी ने एक नया मशीन लाया है, जिसका नाम है एरोटेक साइक्लॉन। चलो अभी हम इसमें क्या विशेषता है वो देखते हैं। यह स्प्रे 40 HP एंड अबव ट्रैक्टर पे काम करता है। एरोटेक साइक्लॉन में हमने वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट दिया है। इस वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट की विशेषता क्या होती है कि ये 90 डिग्री में टर्न करता है। जैसे आप एक बार इसका पीटीओ एंगेज करते हो तो ये जैसे 90 डिग्री में भी मुड़ेगा तो आपको पीटीओ डिसएंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट टो बार दिया है और ये एडजस्टेबल है। जैसे आपके ट्रैक्टर या फिर आपका पिछले वाला जो है टर्निंग रेडियस वो चेंज होगा तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे चेन कपलिंग, इस चेन कपलिंग की विशेषता क्या है कि जैसे ही आपके ट्रैक्टर की तरफ से जो भी जर्क्स या शॉक्स आएंगे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो आपकी जो भी असेंबली है जैसे पंप हो गया, गियरबॉक्स हो गया, ये शॉक फ्री रहने में इससे मदद मिलेगी। इसमें हमने 75 LPM का डायफ्राम पंप दिया है। डायफ्राम पंप की क्या विशेषता होती है कि ये कंटिन्यूस फ्लो सारे नोजल को देता है, तो उससे क्या होता है कि जो नोजल में से जो कम ज़्यादा दूसरे मशीन में जो स्प्रे निकलता है वो इसमें नहीं होता है। इस एरोटेक साइक्लॉन में हमने 1500 लीटर की हाई डेंसिटी पॉलीस्टाइरीन मटेरियल से बनी हुई टैंक दी है और अंदर से हमने इसको एंटी कोटिंग की है, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी केमिकल इसमें आप डालते हो तो उसका इसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता और आपका जो केमिकल है वो प्योरली आपके पेड़ के ऊपर अच्छी तरह से फैलाता है। एरोटेक साइक्लॉन में हमने 115 लीटर की रेंसिंग टैंक दी है। इसका उपयोग क्या होता है कि आप जैसे ही पहला स्प्रे खत्म करते हो उसके बाद आपको दूसरा स्प्रे लेना है, तब आपको टैंक क्लीनिंग की जरूरत होती है और हाइड्रोलिक सर्किट के क्लीनिंग की जरूरत होती है। तब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो नॉब दिया हुआ है अभी ये पिछली तरफ है, तो आपकी जो है 1500 लीटर की मेन टैंक एक्टिवेट होती है। जैसे ही आप इसको आगे करते हो तो आपकी ये रेसिंग टैंक एक्टिवेट हो जाती है और ये पूरा 115 लीटर पानी आपके हाइड्रोलिक सर्किट और आपके टैंक में आ जाता है और उसको क्लीन करके फिर वापस से बाहर आप पानी को निकाल सकते हो। साइक्लॉन में हमने 12 लीटर की क्लीन वाटर की टैंक दी है, जिसका यूज आप हैंड वॉश के लिए कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नॉब दिखता है इसको आपको यहाँ पे लाना है और फिर आप हैंड वॉश के लिए या अदर पर्पज के लिए इस वाटर का यूज आप कर सकते हो। एरोटेक साइक्लॉन में हमने दो टाइप के फिल्टर दिए। सबसे पहले जो फिल्टर है वो है सक्शन फिल्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये सक्शन फिल्टर है। यहाँ पे क्या होता है, टैंक में से जो भी पानी यहाँ पे आता है तो 50 मेश तक जो भी आपके डस्ट पार्टिकल है यहाँ पे वो क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से पानी पंप हो जाता है। पंप होने के बाद आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये सेकेंडरी फिल्टर जो है इसको हम लाइन फिल्टर बोलते हैं। इस लाइन फिल्टर में क्या होता है कि आपके 80 मेश तक के पार्टिकल साइज यहाँ पे क्लीन हो जाते हैं, जिससे आपके जो नोजल है वो स्टॉक या ब्लॉक नहीं हो पाते। टैंक में अगर आपका पानी ज्यादा हो जाता है या फिर आपको केमिकल निकाल देना है, टैंक साफ करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे ड्रेन वाल दिया है। जैसे आप इस नॉब को ऐसे घुमाओगे तो आपका पानी ड्रेन हो जाएगा। एरोटेक साइक्लॉन में हमने 3-way एडजस्टेबल टायर दिए। इससे क्या होता है कि आप ये टायर 3 इंच तक बाहर निकाल सकते हो। उससे क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंट ट्रैक्टर मॉडल होते हैं और उनकी जो ट्रैक विड्थ होती है वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको फिर ये एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद इस मशीन में आप ग्राउंड क्लियरेंस को भी कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद आप इस टायर को आगे या पीछे कर सकते हो, इससे आपको जो है टर्निंग रेडियस में मदद मिलेगी, मतलब आप इससे टर्निंग रेडियस कम या ज्यादा कर सकते हो। कीचड़ निकालने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रैपर दिए हुए। ये स्क्रैपर एडजस्टेबल है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको आप पीछे भी कर सकते हो, मतलब आपके जैसे मिट्टी का टाइप रहेगा या फिर आपका जैसे कीचड़ रहेगा उस हिसाब से आपको आगे पीछे करके कीचड़ निकालने में मदद करेगा। एक साइक्लॉन में हमने हाई, लो और न्यूट्रल ऐसे गियरबॉक्स दिया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि जैसे आपके पेड़ों की हाइट ज्यादा है या फिर उसकी कैनोपी ज्यादा है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक जो है वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी वो ज्यादा होती है, तब आपको हाई गियर में डालने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो है आपने इसमें न्यूट्रल भी दिया है। न्यूट्रल से क्या होता है कि जब आपके कुछ फ्लावरिंग स्टेज में पेड़ होते हैं तो थोड़ी भी हवा अगर आपकी उस फ्लावरिंग में या फूड को लग जाती है तो वो ड्रॉप हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं,
तब आपको इसको न्यूट्रल में रखना है, और जब आपकी कैनोपी कम रहेगी और एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी भी आपकी कम रहेगी तब आप इसको लो में कर सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे तीन नॉब दिया हुआ है, उससे आप जो है आप हाई लो और न्यूट्रल कर सकते हो। साइक्लोन में हमने दो कन्वेयर सिस्टम दिए, एक फ्रंट कन्वेयर सिस्टम है और एक रियर कन्वेयर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे फ्रंट कन्वेयर सिस्टम से। तो इसमें हमने क्या किया है कि 450 एमएम वाला सेंट्रीफ्यूगल फैन इसमें हमने डाला हुआ है, और इसकी जो एयर सक्शन होता है वो यहाँ से होता है, और एयर सक्शन होने के बाद डिलीवरी जो है इस साइक्लोन से ऊपर होती है। ऊपर में हमने क्या किया है कि वन वे स्ट्रोक नोजल डाले है और उसमें हमने 1.5 एमएम का डिस्क डाला हुआ है, और साइड में भी देख सकते हो कि वन वे एडजस्टेबल जो नोजल हमने लगाए हैं इसमें हमने 0.6 एमएम के नोजल डाले हैं। इसकी विशेषता क्या है कि जैसे आपका पेडल की कैनोपी यहाँ पे रहेगी तो ये नोजल आपकी कवरेज में मदद करेंगे, और इसमें आप क्या कर सकते हो कि जिस नोजल की आपको जरूरत नहीं है तो आप इस तरह से उसको ऑफ भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे कैनोपी है तो आपको ये तीन नोजल ऑन रखने हैं, अगर आपकी कैनोपी निचले साइड में भी है तो आपको ये नोजल ऑन करने हैं, अगर आपको पूरे नोजल ऑफ करने हैं तो आप यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हो, और जो ऊपर वाले नोजल है वो कंटिन्यूसली आपके ऑन रहेंगे। फ्रंट कन्वेयर सिस्टम को आप 90 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो, और इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमने रैम सिलेंडर डाला हुआ है, और रैम सिलेंडर का जो कनेक्शन है वो हाइड्रोलिक कनेक्शन आगे आपके ट्रैक्टर की तरफ से आता है। यहाँ पे हमने एक स्टॉप वाल्व भी डाला है जिससे कि आप जैसे सिलेंडर को ऑफ करते हो तो नीचे ना आ सके। इसका जो नॉब होता है आगे पीछे करने का या ऊपर नीचे करने का वो ट्रैक्टर के साइड में कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। आपने अभी जो पीछे रैम सिलेंडर देखा है उसका जो कनेक्शन हमने ट्रैक्टर के ऑक्सिलरी हाइड्रोलिक सिस्टम से लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाइप हमने लिया है, और ये जो हाइड्रोलिक कनेक्शन जो है हमने फोरवे डायरेक्शन वॉल में लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लीवर डाला है, इस लीवर की मदद से आप ऑक्सिलरी सिलेंडर को ऊपर और नीचे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एयर कन्वेयर सिस्टम है वो भी आपका ऊपर नीचे होगा, जैसे मैंने बताया था कि 90 डिग्री तक आप एडजस्ट कर सकते हो तो ये यहाँ से कर सकते हो। जानकारी देंगे रियर एयर कन्वेयर सिस्टम की, इसमें हमने 450 एमएम का सेंट्रीफ्यूगल फैन डाला हुआ है, तो ये यहाँ से हवा लेगा और यहाँ से डिलीवर करेगा, मतलब यहाँ से आपकी जो कैनोपी रहेगी इसके लिए ये यूज होगा। हमने क्या किया है कि एडजस्टेबल वन वे नोजल डाले हुए हैं और उसमें हमने 0.8 एमएम की डिस्क दी है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो नीचे साइड का मैंगो में जो भी कैनोपी रहेगा या फिर जो भी नीचे साइड में क्रॉप रहेगा उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा, और इसको हम जो है ये रियर एयर कन्वेयर सिस्टम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये जो रेड नॉब दिख रहा है ये एडजस्ट करने के लिए दिया है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको इसको ऊपर करना है, फिर इसको घुमाना है, इस हिसाब से आगे पीछे तरफ से आपको चाहिए उस तरफ से आप करके फिर इसको आप इस तरह से लॉक कर सकते हो। दोनों एयर कन्वेयर के सिस्टम के बारे में हम ये जानते हैं, तो अभी हम जानते हैं कि इसका जो रीच है वो कितने फीट तक होगा। तो ऊपर के साइड में मतलब आपका जो वर्टिकल रीच है इसका वो 50 से लेके 55 फीट तक एवरेज हो सकता है, मतलब जो भी आपके बड़े वाले पेड़ रहेंगे जैसे आम का पेड़ है तो 50 से लेके 55 तक आप इसको कवर कर सकते हैं, और जो साइड क्रॉप है मतलब जो निचले साइड में भी आपके कुछ क्रॉप रहेंगे तो उसका जो एवरेज जो जाएगी वो 55 से लेके 60 फीट तक आपका कवर हो सकता है। एरोटेक साइक्लोन में हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल पैनल दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रेशर गेज मीटर है, ये लीवर है और ये नॉब है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दी हुए, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है, जैसे आप ये डायरेक्ट जो लीवर है वो आप सामने की तरफ रखोगे तो आपके दोनों एयर कन्वेयर सिस्टम के नोजल ऑन रहेंगे, जैसे आप इसको राइट साइड में करते हो तो आपका फ्रंट जो है एयर कन्वेयर सिस्टम उसके जो नोजल है वो ऑन रहेंगे, और जैसे आप इसको लेफ्ट में करते हो तो आपके रियर वाले नोजल जो है एयर कन्वेयर सिस्टम के वो ओपन रहेंगे और फ्रंट वाले आपके ऑफ रहेंगे। जैसे आप इस नॉब को इस हिसाब से रखते हो तो आपका पूरा जो वाटर है वो बाईपास हो जाएगा, मतलब दोनों जो
कन्वेयर सिस्टम के नोजल है वो आपके अप रहेंगे। जैसे आपको इस डायरेक्शन में लीवर को रखते हो तो आपका जो है पूरा जो है हाइड्रोलिक सर्किट पानी से फिल हो जाएगा और प्रेशराइज मोड पे आ जाएगा। प्रेशराइज मोड पे आने के बाद यहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो प्रेशर कम ज़्यादा करने की जो जरूरत होगी यहाँ से आप कर सकते हो। नॉब को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉब को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा।